The Brown Skull family, welcome back to the last quarterfinals of King of the Ring tournament. तो भाई हाँ, ये आखिरी quarterfinals है, यहाँ से हमें fourth semi-finalist मिलेगा King of the Ring का. तो एक तरफ है AP Tillo के Triple H, दूसरी तरफ है Green Monster के Roman Reigns. तो भाई दोनों ही खतरनाक superstar है, एक है King of the Kings और दूसरे है Tribal Chief. तो भाई दोनों ही लीडर है अपने अपने डायनेस्टी के. तो ये तो अब देख के पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो भाई अब टाइम ही बताएगा. तो अभी हाँ, मुझे पता है आप सब पूछने वाले हो कि कल कहाँ गायब थे, कल दंगल का एपिसोड नहीं आया, कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ. तो भाई मैं बता दूं, कल मेरी गेम हो गई क्रैश. क्रैश होने की वजह से गेम के सारे डाटा उड़ गया, गेम ही इनफैक्ट उड़ गई, गेम चली नहीं. वो अपडेट की वजह से पता नहीं क्या दिक्कत आई, वो सारा मेरा सिस्टम हिल गया. कल मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, और उसके बाद वो गेम को रिवाइव करने में, गेम को दोबारा भरने में पता नहीं कितनी बार मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा भरी है गेम. भाई मुझे सारा दिन लग गया अपनी गेम को रिवाइव करने के लिए. तो भाई अभी दोनों सुपरस्टार खतरनाक हैं, तो देखते हैं कि इन दोनों के लिए आज कौन सा मैच आता है. भाई आज वीडियो पूरी देखना, इस वीडियो के एंड में मैं एक धोखेबाज इंसान को, धोखेबाज सब्सक्राइबर को एक्सपोज करूंगा इस वीडियो में. तो भाई आज का मैच है एक्सट्रीम रूल्स मैच अगेंस्ट ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेंस. अब मुझे नहीं पता कौन जीतने वाला है, कौन जीतेगा, ये मैच के एंड में पता लग ही जाना है. पर मैच के बीच में या मैच के एंड में आपको मैं एक ऐसा धोखेबाज इंसान बताऊंगा, एक ऐसा धोखेबाज बंदा बताऊंगा, जिसकी वजह से एक भाई अच्छे खासे सब्सक्राइबर का चांस मर गया इस कॉम्पिटिशन में आने का. भाई मेरे को जब पता चला ना, मेरे को इतना बुरा फील हुआ ना जब पता चला. अब देखो यार, मेरे को तो पता नहीं है कौन सब्सक्राइबर कौन सा है, कौन कमेंट करने वाला कौन है, बट भाई इस वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो है कौन, वो धोखेबाज इंसान कौन है जिसने हम सबको धोखा दिया है. इवन उस बंदे को धोखा दिया है जो भाई जो डिज़र्व करता था इस कॉम्पिटिशन में होना. पर मैं आपको इस मैच के एंड में बताऊंगा, कोई बात नहीं. फिलहाल हम मैच के बारे में देखते हैं कि मैच की पेस क्या है. फिलहाल तो दोनों ठीक ठाक कर रहे हैं, रोमन रेंस का थोड़ा सा ज़्यादा अपर हैंड है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल एच. तो ट्रिपल एच किंग ऑफ द किंग, रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ. तो भाई ट्रिपल एच अपने टाइम के बहुत ख़तरनाक थे, वह कह सकते हो कि ट्राइबल चीफ ही थे अपने टाइम के एक तरह के. तो भाई मैं तो दोनों की तरफ ही हूँ, मैं किसी को एक को नहीं मैं सपोर्ट कर सकता, मेरे दोनों ही फेवरेट है, मतलब दोनों ही एक तरह के राइवल्स हैं. हालांकि ट्रिपल एच जब लड़ते नहीं है, एज भी हो जाती भाई है कि एक एज तक ही रेसलर लड़ सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा रेसलर 20 साल देते हैं अपने करियर को, अंडरटेकर जैसे कोई यूनिक होते हैं जो 30 साल तक अपनी रेसलिंग को कंटिन्यू रखते हैं. पर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली रेसलर्स जो होते हैं वो कम्पीट करते हैं 20 ईयर्स मैक्सिमम, जो फेमस होते हैं, फेमस की बात कर रहा हूँ. जो दूसरे होते हैं वो पता नहीं कब तक करते हैं, कोई पहले छोड़ जाते हैं कोई बाद में छोड़ते हैं, आई डोंट नो. कह नहीं सकता मैं कुछ भी कि कौन कितनी देर तक टिका रहता है रेसलिंग में, पर मोस्टली 20 ईयर्स होते हैं मैंने जो देखा है, जब जहाँ तक देखा है. तो भाई बढ़िया है कि सुपरस्टार अभी जैसे जॉन सीना को 22 ईयर्स हो चुके हैं, वो 2002 में डेब्यू करा था, 2002 में नहीं 2003 में, 2002-2003 में डेब्यू करा था. तो 21-22 साल हो चुके जॉन सीना को, और अगले साल मतलब 23-24 साल हो जाएंगे. तो अच्छी बात है कि ऐसे सुपरस्टार हमें दिखे बचपन से, मतलब हमारा बचपन जॉन सीना से शुरू हुआ है और हमारी जवानी में जॉन सीना का करियर ख़त्म होने वाला है. तो भाई ये एक आइकॉनिक था, जो भी था जॉन सीना का रन था, जॉन सीना ने कितने अच्छे अच्छे मैचेस दिए हमें, जॉन सीना ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दी है. भाई मैंने जब वो देखा ना सेगमेंट, भाई लिटरली मैं रोने वाला हो गया था, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है जॉन सीना को, जॉन सीना को कब से नहीं देखा मैंने. भाई जॉन सीना का कोई मैच ऐसा नहीं है जो मैंने ना देखा हो, एक ऐसा मैच नहीं है. मैं भाई बहुत इमोशनल हो गया था, हालांकि मैं रोया नहीं पर मेरी आंखों में पानी आ गया था कि भाई मेरा जो बचपन का हीरो है, स्टार है, वो रिटायर होने वाला है. उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, हालांकि अभी एक साल है रिटायर होने में, और वो साल है, फिर भी एक फीलिंग आ जाती है कि यार ये हमारा फेवरेट सुपरस्टार है, ये रिटायर होने वाला है. तो उसकी वजह से थोड़ा सा सैड फील हुआ, बट अभी सबका टाइम आता है, सबको जाना होता है, तो अब क्या कर सकते हैं. तो फिलहाल जो मैच की पेस है भाई, मैच की पेस तो बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है. रोमन रेंस जिसने आते ही अपर हैंड बनाया था, अब उसी पे ही ट्रिपल एच हावी हो गए हैं. ट्रिपल एच की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, रोमन रेंस ऑरेंज हो चुके हैं बॉडी में. और रोमन रेंस के पास मैं अभी एक चीज़ नोटिस करी, रोमन रेंस के पास रन इन है,
रन इन मतलब कि रोमन रेंस इंटरफेरेंस करवा सकते हैं इस मैच में। ये मैंने पे बैक देखा नहीं था और ये डिफ़ॉल्ट में है, जिसके डिफ़ॉल्ट में उसको मिलता है। तो भाई मैं खुश हूँ कि रोमन रेंस के पास है, ठीक है, रोमन रेंस के पास एक एडवांटेज है बचने की। ये पे बैक भाई गेम वालों ने दिए, मैंने तो दिए नहीं, तो इसको धोखे के तरीके से मत लेना। और धोखेबाज मैं आपको जल्दी बताऊंगा, धोखेबाज इस मैच के बीच में आपको पता चलेगा कि हमारे सब्सक्राइबरों में एक ऐसा धोखेबाज इंसान है जो भाई बहुत ही स्मार्टली खेला है। उस बंदे ने इतना स्मार्टली खेला है, मैं क्या बताऊं। गिलेटिन लगाया भाई, ट्रिपल एच ने गिलेटिन को चलने ही नहीं दिया, ट्रिपल एच ने भाई गिलेटिन को तोड़ दिया जल्दी ही वो भी। तो भाई लेजेंड पे डिफिकल्टी है, दोनों ही खतरनाक लेवल पे लड़ रहे हैं। हाँ एक फ़ायदा हुआ है मेरी गेम क्रैश होने का, कि भाई मेरे जो वो क्रैशेज आ रहे थे, जो AI में दिक्कत आ रही थी, जहाँ मेरी गेम को टाइम लगता था ऑन होने में, वो सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल है परफेक्ट हो गई ये गेम। भाई जो भी होता अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ भी नहीं होता। अभी ये मैच जो है, हो सकता है ये मैच सबसे वायरल मैच बन जाए मेरे चैनल का, हो सकता है इस पर 1-2 लाख व्यूज़ आ जाए आज। यू नेवर नो क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ट्रिपल एच पिन के लिए गए हैं, पिन होने का कोई चांस है नहीं। उसका रीज़न है कि रोमन रेंस को अभी फिनिशर नहीं कोई लगा, हालांकि ट्रिपल एच के पास सिग्नेचर है, सिग्नेचर लगाने की कोशिश कर नहीं रहे ट्रिपल एच, और रोमन रेंस के पास फिनिशर है और रोमन रेंस फिनिशर लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। पर रोमन रेंस को ज़रूरत है फिनिशर लगाने की, क्योंकि अगर रोमन रेंस फिनिशर नहीं लगाएंगे तो रोमन रेंस तो पिटे हुए हैं बुरी तरह, और रोमन रेंस एलिमिनेट होने के कगार पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है रोमन रेंस एलिमिनेट होने से। तो भाई रोमन रेंस अगर सर्वाइव करना है किंग ऑफ द रिंग में, तो भाई फिनिशर लगाओ, क्योंकि अभी तक तो प्रॉपर अपर हैंड, अगर आप प्रॉपरली देखो तो विनिंग की साइड पे तो ट्रिपल एच ही है। और ट्रिपल एच ने भाई, ट्रिपल एच ने दिया है स्पाइन बस्टर सिग्नेचर। भाई रोमन रेंस, अब तुम्हारा तो मुझे टाइम लगता है चला गया, तुम मुश्किल ही लग रहे हो जीतोगे। अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, लास्ट में कुछ भी हो जाता है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ऐसा ही होगा, बट मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा कुछ भी। रोमन रेंस यू नीड टू सर्वाइव। बाकी अरे 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 पेडिग्री को ब्लॉक कर दिया, पेडिग्री को ब्लॉक करा है, तो भाई कुछ तो खतरनाक होने वाला है। अगर पेडिग्री ब्लॉक हुई है तो कुछ तो खतरनाक डेफिनेटली होगा। अब वो कब होगा ये मुझे नहीं पता, पर जल्दी होगा, ज़्यादा दूर नहीं है वो, क्योंकि रोमनेस पूरे रेड हो चुके, रोमनेस सुपरमैन पंच के लिए गए थे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी तरह मिस करा है इसको, सुपरमैन पंच को स्टन हो चुके रोमनेस। ट्रिपल एच गए नीचे, पता नहीं क्या निकाल, अरे यार स्लेज हैमर पड़ा तो है ऊपर, एक और स्लेज हैमर की क्या जरूरत थी भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मैंने कहा था ये इंटरफेरेंस होगी, और ये वैसे ही हुई है जैसे हर बार होती थी जब ट्राइबल चीफ एक्टिव थे। भाई सोनिकोवा सिमोन स्पाइक के लिए गए और ट्रिपल एच ने ब्लॉक करके उसको चेंज कर दिया पेडिग्री में। क्या सोनिकोवा इसके ब्लॉक कर पाएंगे इस इंटरफेरेंस का, कोई फायदा नहीं हुआ रोमन रेंस को इस इंटरफेरेंस का, कोई भी एक सिंगल फायदा नहीं हुआ। भाई साहब रोमन रेंस कोशिश तो तुमने करी थी बचने की, पर तुम्हारा सोलो सिकोवा अभी कुछ नहीं कर पाया भाई। इससे अच्छा तो जेकब पाटू आ जाता तो भाई कुछ होता। तो अभी इन दोनों के बीच में मिनी गेम चल चुकी है, पंचेस एक्सचेंज हो रहे हैं, कौन ज़्यादा पंचेस एक्सचेंज करेगा ये देखना ज़रूरी है। आपको कोई फायदा नहीं हुआ रोमन रेंस। अरे ये क्या ऊपर हो गया, सॉरी भाई लोग, सॉरी ये मेरी गलती नहीं है, ये खुद से ही हुआ है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये हो गया जो होना था, अभी जो खुल गया खुल गया। फिलहाल ब्रॉक कह रहा हूँ, ट्रिपल एच का सिर खुल चुका है और भाई रोमन रेंस अभी ठीक है, पर ट्रिपल एच फिर भी एडवांटेज में है, रोमन रेंस एडवांटेज में नहीं है। रोमन रेंस पिन के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये पिन होगा, होना भी नहीं चाहिए इतनी जल्दी कैसे भी। अरे भाई ट्रिपल एच को रेजिलेंसी यूज़ करनी पड़ गई इस पिन को तोड़ने के लिए, मतलब ट्रिपल एच भी रेड जोन में है, तो मतलब रोमन रेंस के पास भी प्रॉपर चांस है जीतने का। मुझे लगा था रोमन रेंस के पास चांस नहीं है, हालांकि रोमन रेंस के पास रेजिलेंसी है, अभी ट्रिपल एच के पास रेजिलेंसी नहीं है। तो अभी ट्रिपल एच हार सकते हैं कभी भी, वो कभी भी टाइम आ सकता है जब ट्रिपल एच हार जाएंगे। और हाँ भाई मैं आपको एक इनसाइट देता हूँ, अगर ब्रॉक लेसनर का वो स्कैम या वो स्कैंडल ना चला होता तो भाई इस गेम में कम से कम 4-5 टाइप के ब्रॉक लेसनर होने थे, मतलब 4-5 तरह के ब्रॉक लेसनर थे इस गेम में। भाई मैंने तो फाइल्स चेक करी है गेम की, भाई बहुत सारे, इसमें डीमन वैन बैलर भी होना था जो कि बाद में उन्होंने अपलोड नहीं करा, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई डीमन फिन बैलर को लेके,
बाद में उन्होंने डाला नहीं, और वही वो भी होना था, डीमन विन बैलर भी था इस गेम में, उसकी सारी फाइल्स हैं, उसका इवन दो उसका करेक्टर भी उसमें पड़ा है, और वो अनलॉक्ड नहीं है, अनलॉक में भी हो, अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपर्स कर दें उसको अगर अनलॉक, क्योंकि नया DLC आना है उसमें, अगर वो कैरेक्टर्स को अनलॉक कर दे तो बहुत अच्छा है। और भाई गिलेटिन लगा है, पर इस गिलेटिन का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है, अगर वो सबमिट भी कर दे तो इसका कोई फायदा नहीं रोमन रेंस को, और मोस्टली जो नीचे फिनिशर सिग्नेचर या सबमिशन लगाते हैं उनके साथ कुछ अच्छा होता नहीं है, मोस्टली वो हार ही जाते हैं। अभी देखते हैं, अभी मैच वैसे 10 मिनट का हो चुका है और अभी तक कोई भी जीतता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, दोनों की हेल्थ ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ चुकी है, रोमन रेंस टेबल निकाल के लाए हैं, इस टेबल का यूज़ कर पाएंगे या नहीं, या ट्रिपल एच नहीं पे फोड़ जाएंगे टेबल को, ये तो पता चल जाएगा लास्ट में। रोमन रेंस ने बहुत स्मार्टली सर्वर सिकोवा को बुलाया तो था, तो वो सोलो सिकोवा कुछ कर नहीं पाया, सोलो सिकोवा थोड़ा नालायक टाइप का निकला, नंगा टाइप का निकल आया सोलो सिकोवा, नहीं तो ये मैच शायद वहीं पर ख़त्म हो जाता। रोमन रेंस तुमने बहुत स्मार्टली मूव करा है, बट अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा सोलो काम ही नहीं आया, सोलो कुछ भी नहीं करके गया, सिर्फ वो पेडिग्री खाने आया था, पेडिग्री खा के चला गया, भाई वो कुत्ता है क्या वो जो पेडिग्री खाने आया था। अब आप ये लोग सोच रहे होगे आप माइंड में, रोमन रेंस तुम्हारे पास सुपर फिनिशर है क्या कर रहा है मेरे भाई, कोई फिनिशर दिखा कुछ लगा ले, रोमन रेंस फिनिशर लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, टेबल लगाने में इंटरेस्टेड है, और टेबल मुझे क्यों लग रहा है कि ये रोमन रेंस पे टूटेगा, पता नहीं मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि रोमन रेंस पे ही टूट, अरे रोमन रेंस स्पेयर लग गया, फिलहाल किस स्पेयर लग गया, क्या ये पिन होगा, ट्राइबल चीफ का ही स्पेयर लगा है, ऐसे नहीं तो मोस्ट लेपरी टू, अरे 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 ट्रिपल एच ने किक आउट कर दिया, मुझे लगा था रेजिडेंट सिंह में तो ट्रिपल एच शायद किक आउट ना कर पाए, पर नहीं ट्रिपल एच ने किक आउट कर दिया, मतलब किक आउट, ट्रिपल एच में अभी काफी फ्यूल बचा है भाई, ट्रिपल एच इज लेजेंड भाई, अभी भी नहीं हारे, रेजिलेंसी भी चले गई है, फिर भी किक आउट कर दिया भाई, ये वंस इन अ वाइल्ड, ये वंस इन अ मिलियन वाला मूव होता है कि ऐसे करना है किक आउट, पेडिग्री की कोशिश करने गए थे पर उसको स्पेयर में कन्वर्ट करके पिन के लिए गए, और आपको दिख ही रहा होगा कि कौन जीतने वाला है, 2-3, और इसी के साथ रोमन रेंस जा चुके हैं सेमीफाइनल में, रोमन रेंस इज द लास्ट सेमीफाइनलिस्ट ऑफ किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, और जो वो धोखेबाज इंसान है वो है एपी टिन्ने, क्योंकि वो कार्तिक बगोत्रा की दूसरी ID है, वो दूसरी ID से ट्रिपल एच लेके आया था भाई, तभी वो स्टीव ऑस्टिन के हारने से कुछ नहीं बोला भाई, ये मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है, तो भाई तुम्हें तुम्हारे धोखे की सजा मिल गई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।